मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत सेवा सहकारी समिति दोंदर में तैनात प्रभारी समिति प्रबंधक एवं सेल्समैन शासकीय उचित मूल्य दुकान बौसड़ उमेश पांडे द्वारा अनुसूचित जनजाति के रामकिशुन कोल का मकान कब्जा करते समय 1 अगस्त 2022 को रामकिशुन कोल को जाति सूचक गाली देते हुए कहा कि एक शूद्र देश की राष्ट्रपति हो गई है तो सारे शूद्र राष्ट्रपति नहीं हो गए हैं। उमेश पांडे का यह कथन घोर अपराध प्रतीत होता है। रामकिशुन द्वारा बताया गया कि 2 अगस्त 2022 को थाना पनवार में लिखित रिपोर्ट करने जा रहा है। उमेश पांडे द्वारा कहा गया है कि थानेदार तहसीलदार को मैं खरीद रखा हूं। चाहे तुम जहां जाओ कोई तुम्हारा आवेदन ही नहीं लेगा। हालांकि शिकायतकर्ता के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं उन शब्दों की विराट 24 घोर निंदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हमारी समस्या है सर, उमेश पांडे को हम किराए में घर दिए थे, वो किराया नामा में दस्तखत हमसे कह के लगवाए थे, ये किराया नामा का फार्म है इसमें तुम दस्तखत कर दो। तो हम किराया नामा में किए, वो पता लग रहा है को बयानामा में दगाबाजी के साथ उसने करवा लिया हमसे, हम धोखा देकर के खरीदी में। हाँ, धोखा देकर के खरीदी में वो। और आप किसमें कराए थे कि मतलब मैं अपना मकान किराए से? हाँ, किराया नामा लाए थे, बताइए कि किराया नामा है। कितने महीने में दिए रहे? 2-2500 रुपये महीना में। अच्छा, कितने वर्ष पहले? 8 साल हो गए साहब, ऊपर हो गए 8 साल से। तो मतलब आपके साथ उन्होंने धोखा किया? हाँ, धोखा किया। आप तो आदिवासी, आपकी जमीन तो खरीद नहीं सकते? हाँ, नहीं खरीद सकते। तो क्यों ऐसा किए उन्होंने? हो गए, उनके पास पैसा ज़्यादा है, अब पैसा ज़्यादा होने के कारण उसका। आपका मकान खाली कर दिए हैं? नहीं किए, जबरदस्ती अब कल भी रखवा दिए गल्ला उसमें 200 क्विंटल। तो आपने इसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं की? नहीं की। करेंगे? करेंगे, आज जा रहे हैं करने हम। आप कल मना नहीं किए? हम कल नहीं, कल को ट्रक को रोका, ट्रक को जब रोका हमने तो उमेश पांडे को उनके नौकरों द्वारा बुलवाया गया, जो उसे गल्ला उतरवाने आए थे नौकर उनके, उनके द्वारा हमने उनको बुलवाया। तो आते ही समय मैंने कुछ पूछा नहीं उनसे, सिर्फ गाली दिया। क्या बोले? कि एक राष्ट्रपति राष्ट्रपति हो गई, तुम सारे सब कोल माधव राष्ट्रपति बन गए, हम पैसा के बल से तहसीलदार को थानेदार को भी खरीद लेंगे तुम्हारी, तुम भागो इधर से। साहब हम डर के मारे अपने घर चले आए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साहब हमारे साथ न्याय मिले हमें।